अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, स्कर्ट और टॉप का कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ ये वीडियो में मैं। तो देखिए, पहले मैं सोची थी वाइट कलर का टॉप और रेड वेलवेट का स्कर्ट सीऊँगी बोल के कट करी थी मैं। तो 20 लेंथ का टॉप कट कर रही हूँ मैं, राउंड दामन का। तो छोटा मैं कट कर रही थी, मतलब 20 लेंथ का छोटे कुर्ती टाइप कट कर रही थी। तो देखिए, पूरी ड्राफ्टिंग तो वही है जैसे मैं पहले बताई थी सेम। तो देखिए, शोल्डर का हाफ ले लेना, फिर चेस्ट का वही शोल्डर का हाफ, फिर नीचे के साइड लेके फिर वो चेस्ट का जो भी हाफ आ रहा, अगर मेजरमेंट से है तो 1/4 लेना, नहीं अगर आप शर्ट से ले रहे तो हाफ लेना, फिर वेस्ट का हाफ लेके, फिर हिप्स का हाफ लेके, फिर देखिए दामन को ऐसा राउंड कर करके कट करी थी मैं, तो अच्छा लगता बोल के। तो देखिए, थोड़ा मेरे पास ये निट का कपड़ा था, थोड़ा ही था, तो किसी सूट में से बचा सो है मेरे को। तो देखिए, ऐसा ऊपर रख के मैं एक डिज़ाइन के जैसा बॉडी आए जैसा इसको ऐसा कट कर रहा हूँ। तो देखिए, कुछ भी डिज़ाइन बोल के सी बना बन जाता बोल के। तो देखिए, और स्लीव्स भी ऐसी छोटे स्मॉल स्लीव्स रख के मैं 6 इंच के स्लीव्स कट करी छोटे। देखिए, कट करके फिर उसमें भी मैं वो जो निट का कपड़ा है ना उससे फिर पफ स्लीव्स कट करी मैं। देखिए, मगर मेरी लड़की आके बोली नहीं, मेरे को शॉर्ट होना टॉप, लॉन्ग टॉप नहीं होना, और स्कर्ट भी बहुत शॉर्ट होना, ज़्यादा लॉन्ग नको सी हो, सो कपड़े तुम बड़े बड़े सीते बोल। तो ठीक है बोल के फिर मैं देखिए स्कर्ट भी मैं शॉर्ट कट करी, मतलब नी लेंथ का कट करी मैं स्कर्ट। तो देखिए, फिर मैं मेजरमेंट्स लेके, देखिए ये वेस्ट जितनी आ रही ना उसका 1/4 करके ले लेना, तो देखिए बराबर आता। तो देखिए, मैं ले ली मैं, तो वो 14 है ना उनका वेस्ट। तो देखिए, फिर मैं यहाँ से लेंथ ले रही हूँ, तो देखिए पूरा राउंड अच्छे से इसको राउंड शेप बना लेना और ऊपर से कट कर देना, बीच में सेंटर में दोनों साइड कच के लगा लेना कि मतलब खोले बांधने फिर सेंटर को सा है समझ में नहीं आता, तो इसमें किधर भी जॉइंट नहीं रहता। देखिए, पूरा सर्कल काट रूँ मैं, मतलब पूरा सर्कुलर काट रूँ मैं, तो अच्छा दिखता है ये। तो वेलवेट का क्लॉथ है ये, मेरे पास बहुत है वेलवेट का क्लॉथ। तो इससे पहले मैं बोली थी ना, मैं दिल्ली से मटेरियल मंगाई थी शॉप लगाने के लिए बोल के, तो मेरा बुटीक था पहले, तो देखिए मेरे पास मटेरियल बहुत है, तो पूरा दिल्ली से मंगाई सो हूँ मैं ये। तो देखिए, अब मैं छोटी बॉडी का मेजरमेंट डाल रहा हूँ, तो इसका कुछ भी नहीं रहता, जो अपने को ब्लाउज का हिसाब रहता ना वही हिसाब से कट करना। तो शोल्डर जितना है उसमें 1 इंच मिला के उसका लेंथ ले लेना, फिर वही सेम प्रोसीजर है, बस लेंथ कम है इसका। देखिए, कट कर ली मैं, तो ये पहले फ्रंट बैक कट करी मैं, फिर अब बैक रख के फिर फ्रंट कट कर ले रूँ मैं। तो बैक ओपन रख रूँ मैं, जीप लगा रही हूँ, जो वो ओपन होती ना जीप, वो जीप लगा रूँ मैं, तो पहनने में भी आसानी हो जाती है इनको बोल के। तो देखिए, स्लीव्स की कटिंग मैं नहीं बताई, वही है स्लीव्स की कटिंग सेम है। और देखिए, स्कर्ट में तो कुछ भी नहीं रहता, ऊपर इलास्टिक रहना लगाना रहता और नीचे दामन को स्टिच करना रहता। तो पहले एक सिंगल स्टिच लेके फिर उसको पलटा के डबल स्टिच कर लेना। देखिए, और अब बेल्ट लगा लेंगे। तो देखिए, 4 इंच का कपड़ा ले रही हूँ मैं, 4 इंच की पट्टी लेके, 4 4.5 इंच की पट्टी ले लेना, लेके उसके अंदर लास्ट पहले पट्टी अटैच कर लेना। देखिए, पहले पट्टी अटैच करके फिर उसके अंदर चीज़ लास्टिक रख के पलटा देना। देखिए, पहले कपड़ा अटैच कर लेना, सीधे पे उल्टा रख के पूरा अच्छे से अटैच कर लेना। 1/2 इंच का माया, 1.5 इंच का माया, आप जितना माया रखे ना उतने हिसाब से सीना, नहीं तो लेंथ आगे पीछे हो जाती। देखिए, स्कर्ट पे आप नीचे फ्रिल भी लगा सकते या लेस भी लगा सकते, मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, क्यों बोल तो मेरे पास नहीं है वाइट कलर का कुछ भी ज़्यादा मटेरियल, मतलब तो अब इस पर वाइट और रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन से दी थी मैं, तो वाइट लेस उतनी नहीं है मेरे पास, क्यों बोल तो बहुत रहता है इसका मतलब जो इसका घेर आता ना उसका लेंथ बहुत रहता, बहुत ज़्यादा घेर रहता, तो उतना क्लॉथ और लेस नहीं है मेरे पास फिलहाल। और ज़्यादा और इतना मैं मतलब ज़्यादा डिज़ाइन का भी नहीं सीना,
बच्चों को क्यों बोलते हैं, एक से दो तीन बार ही पहनते लोग और फिर वेस्ट हो जाता, तो इसलिए कम से कम डिज़ाइन का और कम ज़्यादा। देखिए ये नेक बना रही हूँ मैं, तो देखिए कॉलर रख रही हूँ मैं इसको, फ्रंट में जो बैक ओपन कॉलर रहता ना वो रख रही हूँ मैं। देखिए देखिए पीछे हाफ इंच लेके रीता और सामने 2.5 इंच, ये दोनों साइड 2.5 इंच लेके स्क्वायर शेप बना के राउंड कर ली मैं। और देखिए ये लेस ऐसा लगा रही हूँ मैं, तो देखिए छोटा सा होल के जैसा बना रही हूँ मैं डिज़ाइन, अच्छा लगता बोल के। पूरा नहीं कट करी मैं, बीच में से कट कर रही हूँ, क्यों तो पूरा करके तो फिर गला बड़ा हो जाता। फातिमा बहुत दुबले हैं, बहुत छोटी है उनकी गर्दन, तो ज़्यादा बड़ा गला रहा तो अच्छा नहीं दिखता, तो इसलिए मैं कट नहीं करी पूरा। देखिए उसको अंदर से एक स्क्वायर कपड़ा रख के उसको फिनिशिंग दे लेना, फिर उसको अंदर से पलटा देना, पलटा के देखिए कपड़े को ऊपर से स्टिच कर लेना। देखिए फिर कपड़े को पीछे से फिनिशिंग दे देना, स्टिफ हुए ज़रूरत नहीं है, क्यों बोलते ये वेलवेट का है कपड़ा, थोड़ा थिकिच है, मतलब वो जो नरम वेलवेट रहता वो वेलवेट नहीं है, ये अच्छा वर्क करे हुआ वेलवेट बता के ये वेलवेट के खाना भेज दिए उन्होंने। तो 3-4 कलर है मेरे पास, एक ग्रीन है, रेड है, पर्पल है, तो मगर उन्होंने जो बताए थे मेरे को वीडियो में वो वर्क करे हुआ वेलवेट था, मगर जब भेजे तो ये प्लेन वेलवेट है, मगर जान दो अब इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब ऑनलाइन से मंगाई थी मैं और पेमेंट भी ऑनलाइन ही करी थी। देखिए ये ज़िप है मेरे पास, तो इसलिए कभी भी किसका भी भरोसा नहीं करना, अपन एकदम भरोसा कर लेते। मैं इनको इनके पापा को भी नहीं मालूम से मंगाई थी मटेरियल, मतलब आगे बाद में बोलेंगे, क्यों बोलते इन्हों कभी भी नक्कोच बोलते मैं कुछ भी करती हूँ बोलते, इसलिए नक्को बोलते मैं सब गड़बड़ कर देती हूँ बोल के। तो देखिए जिप लगाई मैं, बैक ओपन इशू कुछ भी नहीं है, ये बहुत अच्छी जिप रहती है, थोड़ा दिखना बोल के मैं थोड़ा दूर रख के सी रही हूँ, ना तो खरीब से भी सी सकते, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रास्ट पीछे से अच्छा दिखता बोल के मैं थोड़ा दूर रख के सी रही हूँ, रेड एंड और ये कलर अच्छा दिखता बोल के। तो देखिए ये बैक से पूरी ओपन हो जाती, पहनने में बहुत ईजी रहता, तो फ्रंट में भी लगा सकते इसको, बैक में भी लगा सकते, बहुत अच्छी रहती है जिप। देखिए लगा दी मैं, ज़्यादा कुछ भी पट्टी उट्टी नहीं लगाई मैं, कपड़े कुछ मोड़ के लगाई। अब शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ मैं, 1/2 इंच के माए से शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ मैं। देखिए अब कॉलर कितना है देखेंगे, गला माप लेना, कॉलर पहले नहीं काटना कभी भी, दोनों शोल्डर जॉइंट करे बाद इच। तो देखिए तो 14.5 आया कॉलर, मतलब 15 आया कॉलर। तो देखिए ऐसा रख के मैं पूरा मेजरमेंट्स के साथ कॉलर मैं कट कर रही हूँ, 1 इंच का कॉलर लगा रही हूँ मैं। देखिए तो जितना भी अपना कॉलर का लेंथ है वो रखना, फिर उसको 5 इंच के ऊपर एक मार्किंग लगाना और 7 इंच पे एक मार्किंग लगा के, 2.5 इंच पे एक मार्किंग, उसके हाफ पे एक मार्किंग लगा के सब पूरा कट कर लेना। देखिए ये कॉलर है, देखिए फिर कॉलर को चिपका ले रही हूँ मैं कट करके। देखिए 1/2 इंच के माए से कट करके ऐसा पकड़ के इसको स्टिच कर दे रही हूँ मैं, आयरन नहीं कर रही हूँ कि बोलते वेलवेट का कपड़ा है, नॉर्मल कपड़ा है तो आप इसको आयरन करें तो अच्छा रहता, वेलवेट का कपड़ा है ना तो अपन ज़्यादा आयरन नहीं कर सकते, जल जाएगा बोल के नहीं कर रही हूँ मैं। तो देखिए फिर दूसरे अंदर से कपड़ा रख के पलटा ले रही हूँ मैं ऊपर से, देखिए ऊपर के हिस्से को पलटा ले रही हूँ मैं, फिर कट करके ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दे रही हूँ, फिर 1/2 इंच के माए से कट करके फिर इसको पलटा के देखिए थोड़े कचके लगा लेना, क्यों बोलते राउंड कलर है और कपड़ा भी मोटा है ना थोड़ा, तो देखिए लगा लेके ऊपर से एक स्टिच लगा लेना और लगा के मार्किंग कर लेना, इसको पकड़ के सीना है अपने को बैक से, देखिए सेंटर में मार्किंग करके लगा देना। तो देखिए ये ऐसा गले पे अटैच कर देना, बहुत आराम से अटैच हो जाता है, सेंटर पे जहाँ अपन खचका लगा वहाँ से स्टार्ट करना, फिर एंड कर देना आके, फिर सेंटर से फिर से स्टार्ट कर देना। देखिए तो फिर से सेंटर से स्टार्ट करके फिर लाके इसको फिर यहाँ पर ख़त्म कर देना। तो देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखे थे ना कॉलर में, तो देखिए एक साइड जहाँ पर हुक बनाना है वहाँ पर बरोबर कॉलर को रखना, जितना गला है उतना रखना, और जहाँ पर काजा बनाना है ना वहाँ पर 1/2 इंच नहीं तो 1 इंच एक्स्ट्रा रख के
कॉलर स्टिच करना। देखिए मैं एक तरफ एक्स्ट्रा रखी, एक तरफ बराबर रखी। तो देखिए जरा सुई से पलटा ले रही मैं, क्यों बोलते तो कपड़ा बहुत मोटा है। देखिए पूरा अच्छे से कॉलर बाहर निकाल के फिर से स्टिच लगा लेना। देखिए ऐसा पकड़ के स्टिच लगा देना। बहुत अच्छा निकलता है कॉलर, अच्छे से सही निकल जाता है और बहुत अच्छा दिखता है ये कॉलर छोटे बच्चों को। देखिए फिर ऊपर से लेस लगाना है ना। देखिए ये लेस बहुत अच्छी है, रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन की लेस है ये। थोड़ी चुनत लेके लगा रही हूँ मैं, क्योंकि तो लेस बहुत बड़ी है, मुड़ जाएंगी बोल के। फिर दो सीवन से बैठना, बिठा देना लेस को अच्छे से। देखिए हो गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये गला, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, पहने वाले भी बहुत अच्छा दिखता। अब फ्रंट आर्म होल का मार्किंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल का मार्किंग पहले नहीं करती ना मैं, तो देखिए फ्रंट आर्म होल का मार्किंग करेंगे। स्लीव्स में भी फ्रंट आर्म होल का मार्किंग कर लेके कट कर देना। तो देखिए स्लीव्स पे मैं नीचे वाइट कलर की नेट का क्लॉथ लगा रही हूँ, डबल करके लगा रही हूँ, तो देखिए अच्छा दिखता बोल के। फिर उसके ऊपर से लेस लगा रही हूँ मैं, फुल स्लीव्स रख रही हूँ मैं। देखिए थोड़ा पफ भी रखी मैं, ज़्यादा पफ नहीं रखी क्योंकि मुझे तो कपड़ा बहुत मोटा है। तो देखिए कड़क वाला वेलवेट है ये, तो देखिए ऐसा थे दो दो तीन तीन ये साइड तीन वो साइड आर एस प्लेट्स खाली, ज़्यादा नहीं रखी मैं। तो ज़्यादा रखी तो बहुत अच्छा दिखता, मगर मैं थोड़े ही रखी। देखिए अब बस पकड़ के पूरा स्लीव्स अटैच कर लेना दोनों साइड। देखिए दोनों स्लीव्स अटैच करके फिर फ्रंट का फिनिशिंग करके फ्रंट पे भी लेस लगा देना नीचे कमर के साइड। देखिए लेस लगा दे रही हूँ मैं, लेस थोड़ा छोड़ के लगा रही हूँ क्योंकि बोलते लेस थोड़ी कम है मेरे पास, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको मैं छोड़ दे रही हूँ। देखिए बैक साइड पे भी लगा लेना लेस। देखिए दोनों साइड लगा ली मैं लेस। देखिए लगाने के बाद फिर जो भी साइज है ना उसकी मार्किंग एक बार कर लेना, कर लेके फिर साइड की फिटिंग दे देना। फिटिंग का स्टिच लगा देना फिर। देखिए मार्किंग कर ली मैं। देखिए कंप्लीट हो गया मेरा स्टिच लगाने के बाद में। देखिए दो दोनों तरफ से स्टिच लगा देना जो भी साइज़ है वो साइज़ के हिसाब से। और पहनने में तो परेशानी नहीं होती कि वो तो बैक ओपन है पूरा ये। देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देना। फिर ये साइड भी स्टिच लगा देना, फिटिंग की स्टिच लगा देना। देखिए लगा के ये साइड भी कट कर देना पूरा, एक्स्ट्रा कपड़ा पूरा कट कर देना। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।